लंबे बाल, हेलीकॉप्टर शॉट, विश्व विजेता थला यानी बड़ा भाई और लेफ्टिनेंट कर्नल, ये पहचान एक ही शख्सियत की, धोनी नाम ही काफी है। चाहे विकेट के पीछे दस्तानों के साथ कीपिंग की बात हो या विकेट के आगे ग्लव्स पहनकर हेलीकॉप्टर शॉट लगाने की, धोनी जब तक मैदान में रहते थे तो टीम को हौसला और विपक्षी टीम को खौफ का एहसास होता था। हेलीकॉप्टर शॉट, धोनी आए और साथ लाए एक नए प्रकार का शॉट। जैसे सचिन के नाम के साथ स्ट्रेट ड्राइव जुड़ी है, वैसा ही रिश्ता धोनी और हेलीकॉप्टर शॉट का था। उनके शॉट ने कई लोगों को दीवाना बनाया। धोनी इतने खास क्यों? धोनी को इतना खास बनाने के लिए ये काफी नहीं था, तो धोनी ने वो कर दिखाया जो पहले कोई भी कप्तान नहीं कर सका। 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप जीता, जीत मिली, साथ ही मिला एक नाम, कैप्टन कूल। 2010 के एशिया कप में जीत, 2011 के वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बने, 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में देश का परचम लहराया। इस जीत के साथ ही माही ने लिमिटेड ओवर्स की तीनों ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड बनाया। धोनी यही नहीं रुके और रिकॉर्ड्स का अंबार लगा दिया। फिर आया साल 2014, धोनी की कप्तानी में भारत को विदेशी धरती पर लगातार 8 हार का सामना करना पड़ा। टेस्ट क्रिकेट में धोनी की बल्लेबाजी और कप्तानी पर सवाल उठने लगे। 2014 में धोनी के फैंस को एक झटका लगा। टेस्ट क्रिकेट से धोनी ने रिटायर होने का फैसला कर लिया था। एक और झटका लगा 4 जनवरी 2017 को, धोनी ने वनडे और T20 की कप्तानी भी छोड़ दी थी। कप्तान बने विराट कोहली। उन्हीं की कप्तानी में 2019 का वर्ल्ड कप हुआ। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल का मुकाबला था। 100 रनों पर 7 विकेट गिर चुके थे, लेकिन जीत का भरोसा था क्योंकि मैदान पर धोनी थे। धोनी ने भी जडेजा के साथ 116 रन जोड़े। जडेजा आउट हुए, लेकिन जीत की उम्मीद अब भी थी। धोनी अब भी मैदान पर थे। जीत के लिए 32 रन चाहिए थे। भारत के पास 3 विकेट बाकी थे, लेकिन तभी एक रनआउट ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मार्टिन गुप्टिल के एक थ्रो ने स्टंप्स की गिल्लियों के साथ ही भारत की जीत के सपनों को भी तितर बितर कर दिया। धोनी मायूस होकर लौटे। इतने मायूस धोनी पहले कभी नहीं दिखे थे। तब शायद ही किसी को पता था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में धोनी का ये आखिरी मैच है। 15 अगस्त यानी आजादी के दिन धोनी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। फैंस दुखी हैं और उनके हर एक लम्हे को फिर से जीने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारी भी कोशिश है।